फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह ये 6:15 करीब का टाइम है। तो ये देखिए पूरा बादल किया हुआ है, और जैसे ही मतलब ये गए, मतलब ये बादल गरजे ना, तो मैं उठ गई थी वैसे ही, और मुझे टिफिन भी बनाना था। तो ये देखिए मैं उठी हूँ तो पूरे चारों तरफ बादल ही छाए हुए हैं, और हवा भी चल रही है फ्रेंड्स, और पूरा पानी बरसने का मौसम मतलब बना ही लिया था सुबह। तो वही मैं देख रही थी कि कुछ है तो नहीं बाहर रखने के लिए। तो यही फ्रेंड्स, ये मेरे कंडे कुछ सूख रहे थे बाहर, तो उसी को मैंने जैसे ही उठा के अंदर रखा है ना, वैसे ही ये पानी आ गया फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा पानी, और पानी तो पानी और ओले कहते हैं से, तो ओले ज़्यादा बड़े नहीं थे, जैसे चने टाइप के थे ना, चने के साइज का वैसे ही ओले पड़ रहे थे। और पूरी हम लोग के जैसे सीट वाला घर है ना, तो सीट में जब ये ओले पड़ते हैं तो बहुत ही तेज आवाज़ आती है और डर भी लगने लगता है। तो वही ये देखिए ओले भी पड़ रहे थे, पर ज़्यादा नहीं पड़े हैं, और हवा के चलते पूरे यहाँ वहाँ जैसे हवा चली गई है तो वैसे भी चले गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना किचन का है जो ना वो टिफिन बनाना चालू कर देती हूँ। और अभी इनके पापा चले गए हैं, वो क्वार्टर चले गए हैं, जैसे सुबह उठते हैं फ्रेश होने, तो वही मैं भी उठी और मैं अपना ये टिफिन बनाने का काम चालू कर दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी बरस रहा है। और फ्रेंड्स फिर इनके पापा आए तो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा ड्यूटी, तो वही फिर मैंने टिफिन बनाना बंद कर दिया था। और ये देखिए मेरा बेटा है, तो वही 6-7 का टाइम था, और मतलब पानी बरस कर निकल गया था, और फिर धूप आ गई थी, तो वही पानी भर रहा है पीने के लिए, और मैं फिर आंगन धोऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ जैसे पानी बरसता है ना, यहाँ तो पूरा जैसे ये सीट का कचरा है पूरा आंगन में ही गिरता है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आंगन धोने का मतलब मन बनाया था, और ये देखिए फूल मेरे पूरे ही जैसे ओले गिरे हैं ना, तो पूरे फूल में पड़े हैं, पूरे इनका वो हो गया है, आकार ही बिगड़ गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग के अंदर भी पानी पूरा भर जाता है ना, जैसे पानी बरसता है। तो ये नहीं मालूम क्या सोच के बनाए थे मिस्त्री, पूरा ढाल अंदर ही कई मतलब किया हुआ है, आंगन ऊँचा हो गया है और ये अंदर नीचे हो गया है। तो वैसे तो मुझे बहुत ही, चलिए फ्रेंड्स मैं पानी पूरा सब बटोर दी हूँ, और यहाँ फिर पोछा भी लग जाएगा तो सूखा हो जाएगा, और मैं अब धुल देती हूँ आंगन। तो वही नल चालू हो गया है, तो जैसे पानी वाले काम है ना, तो सभी के बटे हुए रहते हैं। और इसी से हम फ्रेंड्स जैसे आज नहीं गए हैं ना इनके पापा, तो मैं यहाँ बाहर हूँ, नहीं तो वही टिफिन में लगी रहती हूँ। तो मेरा बेटा है तो भर लेता है पानी, और इस समय आई है बेटी, तो वो भी अपने कामों में लगी रहती है, झाड़ू लगाना और कपड़े बनाना सब उसी का काम रहता है। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ के सामने गेंदा के पेड़ लगे हुए हैं ना, ये पूरे ख़राब हो चुके हैं, और फिर अधिक फूलों की ज़रूरत, जैसे गेंदे की दीपावली में होती है, तो उस समय तो ये नहीं खिले थे, तो अब ये खिल भी नहीं रहे हैं, तो इनको मैं पूरे उखाड़ दूँगी और यहाँ पूरा साफ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसे छोटे छोटे पौधे मैंने लगाए हैं फूल के, तो वो भी फिर बढ़ने लगेंगे, नहीं तो इनके कारण वो पूरे गल जाएंगे। तो यही मैं फ्रेंड्स इनको उखाड़ दे रही हूँ, और इस समय इतना पानी बरस रहा है ना, और ये पानी फ्रेंड्स वैसे तो नहीं नुकसान करेगा, पर खेतों के लिए, फसल के लिए, और जैसे नए नए फल अभी आ रहे हैं ना आम का, जैसे आम आ रहे हैं तो आम के बौर, और जैसे ये महुआ के फूल, और ये सभी चीज़ों को, मुनगा के फूल, सहजन के फूल, ये सभी को पूरा झाड़ के रख देगा, और पूरे इसी में मतलब नष्ट हो जाएंगे आधे, और फिर जो कुछ बचेंगे तो वही फिर बढ़ पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे मैं उनको उखाड़ दूंगी, और जैसे ये संतरे कलर का जासौन लगा है, और ये धतूर का पेड़ लगा है, तो इन्हीं कारण ये नहीं बढ़ पा रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इनको साफ कर देती हूँ, जो इनके जड़ों में मिट्टी है ना, तो मैं इन्हीं यहीं झाड़ दूंगी सभी चीज़ें, सभी मिट्टियाँ, फिर उसके बाद ही मैं बेटा मतलब मेरा बाहर फेंक आएगा, और मैं यहाँ पूरे उखाड़ कर साफ कर दूंगी। और इस समय नहीं फ्रेंड्स, ये फूल ना बहुत लेट ही खिलते हैं, जैसे नहीं तो पहले जब मैं नई ले आई थी ना, तो
दीपावली के समय खिला करते रहे बहुत सारे फूल, इतने सारे फूल थे कि बहुत। और अब है तो कितना भी आगे लगाओ, चाहे आषाढ़ में लगा सकते, सावन में वो खिलेंगे, दीपावली के बाद ही फूल खिलेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ साफ कर देती हूँ अच्छे से, और इसके बाद ही फिर मैं दूसरा कुछ काम करूँगी, क्योंकि अभी नल भी चल रहा है तो आंगन भी धुल जाएगा इसी बहाने। और सभी की अब खांसी ठीक होने को हो रही है। मेरे बच्चे को भी जैसे खांसी चालू हो गई थी ना, तो वो मतलब पानी के जो नमक डालकर गर्म पानी के गरारे करता था, वही कर रहा है वो। और जैसे मुझे कुछ होता भी है ना फ्रेंड्स, तो मैं उतना जल्दी बहुत जल्दी मतलब दवाई या मेडिसिन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और इसलिए मेरी खांसी अभी तक बनी हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई दवाई, कोई काढ़ा नहीं पिया है, काढ़ा नहीं बनाया है ना पिया है। तो वही मैं अब देखती किसी दिन बनाऊंगी, क्योंकि मेरी खांसी जा ही नहीं रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ जो ये बगीचा है छोटा सा, उसको साफ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यही मौसम है, आधा एक महीने के बाद मतलब 15-20 दिन के बाद फिर रोपा भाजी यही मतलब लगाऊंगी। आपने पिछले वीडियो में तो देखा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आंगन धो लेती हूँ। और जैसे सीट का पानी गिरता है ना पूरा, तो जैसे बौछार आता है, अब पूरे कचड़े हैं जैसे, तो पूरे दीवालों में यहाँ किनारे किनारे छप जाते हैं, तो उन्हीं में पानी डाल दूंगी तो सब साफ हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा थोड़ा सा भी वीडियो वॉच करते फ्रेंड्स, तो मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा ना, वो देखिए नाली है ना वहाँ पास पानी जाने का, तो वो लगा हुआ है साफ करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ जैसे चूहे, ये घूस बोलते हैं गाँव में, तो वही सब पूरे माटी को मतलब खोद खोद के पूरे नाली को बाहर के पूरा पाट दिया है, तो अंदर का पानी नहीं जा रहा है नाली में। वही उसी को साफ कर रहा था, क्लीन कर रहा था, तो देखिए फ्रेंड्स वो ठीक कर दिया है। और अब मेरी मदद भी कर रहा है, पानी ला ला कर इसमें डालेगा, बोल रहा है कि मम्मी आपसे नहीं बन रहा धोते, ऐसे पानी बोल रहा है, पानी डाल रहा है पूरे चारों तरफ। और फ्रेंड्स, जैसे नल आधा घंटा देता है ना, आधा पौन घंटा, तो हम लोग के जैसे ड्रम है तो जल्दी ही भर जाते हैं, तो फिर वही पानी एक्स्ट्रा बहने लगता है, तो वही हम लोग के आंगन में यूज हो जाते हैं। और फिर गर्मी फ्रेंड्स वही कूलर में और पेड़ पौधों के सींचने में जाएंगे। तो चलिए, मेरा ये काम हो चुका है। और ये नाश्ता जो है अंदर, आज मेरी बेटी है और जैसे संजना है, तो उन दोनों ने मिलके बनाने का प्लान किया था, तो ये देखिए बनाई है दोनों जन मिलके, वही सूजी का। और ये साँचा मैंने बहुत दिन का खरीदा हुआ रखा हुआ था, तो इन लोगों ने अभी मतलब बना लिया है, और यही आज हम लोग के नाश्ते में ब्रेकफास्ट में है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए नाश्ता, और ये इसको हम अपने सॉस के साथ खाएंगे, हरी चटनी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मेरी बेटी ने ही बनाया है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय।